सप्ताह में आए तो 4% नहीं, 4 महीने में 12% रिजर्वेशन दे के हमारे माइनॉरिटी भाइयों के तरक्की के लिए काम करने के लिए वायदा किया था केसीआर साहब ने। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ऊपर है तो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को, यहाँ पर छत के नीचे है तो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को, भाई आज पूछना चाहता हूँ, हम कांग्रेस सत्ता में जब है सोनिया जी आशीर्वाद लेके 4% दिए तो रिजर्वेशन ही है, मगर कोई 12% रिजर्वेशन आपको मिले क्या? फिर ऐसे झूठा वादा कह के 4 साल पूरे हो गए, 5 साल आ रहे, आज केसीआर फिर दोबारा उसको चुनाव में जिता के कुर्सी पे बिठाए तो आपके तरक्की के लिए काम करने के लिए वायदा कर रहा है, आपको भरोसा है क्या ये चोर के ऊपर? चीफ मिनिस्टर बन के गद्दे पे बैठे हुए। मैं आज पूछना चाहता हूँ केसीआर साहब को, जिस दिन तेलंगाना के लिए आप आवाज उठाए उस दिन आपको टीवी था क्या, पेपर था क्या, फार्म हाउस था क्या, 1000 करोड़ का धंधा है क्या? फिर आज इतना मिले बोले तो 1200 बच्चे शहीद होके तेलंगाना लाए तो वो तेलंगाना शहीदों के स्टेप्स पे मंच पे बैठे आज आप, आपका तरक्की आपके खानदान के तरक्की कर ले रहे हैं ना, फिर अब हम नहीं लड़े तो क्या करना है बोलते हमारे माइनॉरिटी भाइयों को मैं पूछ रहा हूँ। भाई आप सोचो, अपना तरक्की के लिए, अपना कोडंगल निशान के लिए, अपना कोसगी के, अपना तरक्की दिखाने के लिए हम लड़ना या नहीं लड़ना?